क्वेश्चन नंबर वन है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। इस क्वेश्चन में एक कोन दिया गया है जिसकी बेस डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट है 10 सेंटीमीटर और हमें इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। मान लीजिए ये वो कोन है और ये इसकी हाइट है, ये इसकी रेडियस हो जाएगी। अब यहां पर देखिए हमको स्लैंट हाइट दी गई है, स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और हमें इसका बेस डायमीटर दिया गया है। देयरफॉर बेस रेडियस R इज इक्वल टू बेस डायमीटर बाय 2 एंड बेस डायमीटर इज 10.5, देयरफॉर 10.5 बाय 2 एंड दैट इज इक्वल टू 5.25 सेंटीमीटर। तो ये हो गई कोन की रेडियस 5.25 सेंटीमीटर। अब बहुत ही इजी है, जैसा कि हम जानते हैं दैट कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज इक्वल टू, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन का क्या फॉर्मूला होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। तो यहां पे हो जाएगा 22/7, पाई की जगह पे आ जाएगा 22/7, जैसा कि आपकी एक्सरसाइज में दिया गया है। आर की वैल्यू है 5.25 और एल स्लैंट हाइट की वैल्यू दी गई है 10 सेंटीमीटर। अब यहां पे देखिए 7 और 5.25 आपस में कट जाएगा, अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा।